गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से आपके पास भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990 तक लेसन टू का वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं। आज हम उसके कल जो पढ़ाया था उसके आगे से पढ़ाने जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग और विदेशी व्यापार की स्थिति क्या थी इसके बारे में आप जान लीजिए। कृषि सामान्य अर्थों में कृषि से आशय भूमि को जोतने की कला एवं विज्ञान से होता है, किंतु विशेष अर्थों में कृषि ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग आदि सम्मिलित होते हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, पहला, इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है, इसमें मिश्रित खेती होती है, तीसरा, फसलों में विविधता है, चौथा, कृषि जोतों का छोटा होना। कृषि उत्पादकता के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए वो निम्नलिखित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा कृषि विकास को सुदृढ़ करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कई कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जो निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि योग्य भूमि का विस्तार, दूसरा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा बाढ़ पे नियंत्रण, तीसरा उर्वरक की उचित व्यवस्था, उर्वरक यानी खाद, चौथा खाद के प्रयोग और प्रचार को बढ़ावा देना, पांचवा है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना करना, छठा है कृषि भूमि का विकास भूमि सुधार कार्यक्रम, सातवां है कृषि का आधुनिकीकरण, आठवां है कृषि शाख की उचित व्यवस्था, नवां है व्यापक फसल बीमा योजना, दसवां है कृषि विपणन में सुधार। कृषि विपणन का मतलब होता है कि जो उत्पादन हमने किया है उसको बाजारों तक ले जाना, उसमें सुधार करना। ग्यारहवां है कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और बारहवां है फसल का संरक्षण। नेक्स्ट आता है उद्योग से क्या आशय है और उद्योग के प्रकार क्या हैं। पिछले वीडियो में हमने उद्योग के बारे में आपको परिभाषा बताई थी, अब इसमें आप उद्योग के मुख्य प्रकार के बारे में जानेंगी। उद्योग के मुख्य रूप से निम्न तीन प्रकार होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग। भारत में लघु और कुटीर उद्योगों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, पहला गरीबी से मुक्ति व ग्रामीण विकास, दूसरा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल, तीसरा आय का समान वितरण, चौथा अल्प पूंजी निवेश, पांचवा कला एवं कौशल विकास, छठा कृषि भार मुक्त, सातवा वर्ग संघर्ष की समाप्ति, आठवा संकटकालीन परिस्थितियों में सहायक, नवा विदेशी व्यापार में वृद्धि। नेक्स्ट आता है औद्योगिक नीति 1991, इसके बारे में भी हम शॉर्ट में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ पे औद्योगिक नीति 1991 के बारे में आप जानिए। भारतीय उद्योगों को नियंत्रण से मुक्त करने एवं संरक्षणवादी व्यवस्था से दूर हटकर एक बाजारोन्मुखी प्रतिस्पर्धात्मक और विश्वव्यापी पर्यावरण से जोड़ने के उद्देश्य से 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन उद्योग राज्य मंत्री श्री पी जे कुरियन ने लोकसभा में इस नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। औद्योगिक लाइसेंस नीति का कानूनी अधिकार, इसमें हम आपको औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में बता रहे हैं। औद्योगिक लाइसेंस नीति को कानूनी आधार प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से निम्न दो अधिनियम पारित किए गए, पहला औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम 1951 और दूसरा एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969। इन दोनों नियमों को आप जो सेकंड लेसन का पीडीएफ दिया है उसमें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। विदेशी व्यापार का या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार
जब किसी व्यापारी की व्यापारिक गतिविधियां एक देश की सीमाओं को पार कर दूसरे देशों में भी क्रियाशील हों तो उन्हें उसे विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अन्य शब्दों में विक्रेता और क्रेता दो अलग अलग देशों के नागरिक होते हैं तो उनके बीच होने वाला व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत का चीन, रूस, जर्मनी आदि देशों से व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार का महत्व। विदेशों से खाद्यान्न एवं अनावश्यक वस्तुओं का आयात संभव होना, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण में वृद्धि होना, उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना, आंतरिक व्यापार को विकसित करना और सरलता से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। अब आता है विदेशी व्यापार नीति। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने वर्ष 1950 से 90 की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन को संरक्षण देने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विदेशी व्यापार नीति को अपनाया। भारतीय औद्योगिक नीति घनिष्ठ रूप से व्यापार नीति से जुड़ी जुड़ी रही थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में देश की व्यापार अंतर्मुखी नीति थी। इस नीति के 2 उद्देश्य थे। पहला, निर्यात संवर्धन। वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निर्यात वृद्धि हेतु पुराने निर्यात कार्यकर्ताओं को तथा नए व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है आयात प्रतिस्थापन। सामान्य शब्दों में विदेशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर जब घरेलू वस्तुओं का उत्पादन एवं प्रयोग किया जाता है तो उसे आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। इसी के साथ बच्चों, ये सेकंड लेसन का 3rd वीडियो के साथ ही आपका पूरा चैप्टर 3 वीडियो में कवर हो गया है। आप लोग एक एक वीडियो 1 by 1 देखिए, उसके बाद एक साथ 3 वीडियो को देखिएगा और PDF से पूरा लेसन पढ़ के जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आप पूरा करके सबमिट करिएगा।